नमस्कार, मेरा नाम है दीपक निगम और आप देख रहे हैं बालाजी होम्स इंटरप्राइजेज। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं गाजियाबाद विकास प्राधिकरण से अप्रूव्ड 3 BHK फ्लोर, जो कि गोविंदपुरम के स्वर्जयंतीपुरम क्षेत्र में बना हुआ है। लोकेशन आप मौके पर देख रहे हैं, बहुत ही शानदार लोकेशन है। जो आप सड़क देख रहे हैं, यहाँ सड़कें बहुत चौड़ी आपको मिलेंगी और गेटेड सोसाइटी है ये। हर ब्लॉक में यहाँ गेट लगा हुआ है, हरा भरा क्षेत्र है पूरा। रेजिडेंशियल पर्पस से बहुत ही अच्छी कॉलोनी है। जितनी भी जन सुविधाएँ हैं वो बिल्कुल आपको पैदल की दूरी पर मिलेंगी। अगर मैं अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल की बात करूं तो वो बिल्कुल यहां से 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में आपको मिल जाएंगे। ये देखिए, लोकेशन में आपको दिखा रहा हूं, ये जो रोड है ये 9 मीटर का रोड है और जितने भी यहाँ मकान बने हुए हैं वो बहुत ही शानदार बने हुए हैं मकान। यहाँ से आपका फ्लोर शुरू होता है और यहाँ से आपके फ्लोर का जो है एंट्रेंस है, ये 90 मीटर जगह है और 3 BHK बना हुआ है। इसमें आपको 3 कमरे 3 बाथरूम अटैच मिलेंगे हर कमरे के साथ। ये देखिए, आपका लिविंग और डाइनिंग एरिया है। इस पर छत पे फोर सीलिंग करवाई गई है और लाइटिंग वगैरह लगी हुई है। इसके फर्श पे नीचे कटनी पत्थर लगा हुआ है और ये सामने आपका कॉमन बाथरूम भी रहेगा और कमरे के साथ अटैच भी रहेगा। एक कमरा इसमें आपको बाहर की तरफ मिलेगा, 2 कमरे पीछे की तरफ मिलेंगे। वेंटिलेशन की व्यवस्था बहुत अच्छे से इस फ्लैट में की गई है। ये आपका पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया का जो डिज़ाइन है वो बना हुआ है। अभी ये देखिए, यहाँ पीछे वेंटिलेशन के लिए विंडो दिया गया है। एक रूम आपको ये फ्रंट की तरफ मिलेगा जिसमें आपको बालकनी मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको किचन दिखा देता हूँ। किचन में देखिए, ये इसकी फुली मॉड्यूलर किचन आपको मिलेगी। अमीरा वगैरह सब दराज बनी हुई हैं, सनमाइका लगा हुआ है, वेंटिलेशन के लिए इसमें विंडो लगा हुआ है और चिमनी जो है वो इसमें आपको लगा करके देंगे। और ये देखिए, ऊपर तक इसमें टाइल्स दिए गए हैं। फुली मॉड्यूलर आपका ये किचन है और ये 2 कमरे आपको मिलेंगे। अब मैं आपको पहला कमरा दिखाता हूँ। ये देखिए, इसकी दीवार पे टेक्सचर पेंट करवाया गया है, छत में फोर सीलिंग करवाई गई है, उसके अंदर लाइटिंग लगी हुई है और पंखे वगैरह सभी आपको इसमें लगे हुए मिलेंगे। ये जो आप नीचे फर्श देख रहे हैं, इस पर कटनी पत्थर लगा हुआ है और हर कमरे में अटैच बाथरूम की व्यवस्था की गई है। ये देखिए, इसके ऊपर तक टाइल्स दिए गए हैं, इंग्लिश सीट इसमें लगी हुई है और जो स्पेस है बाथरूम का वो काफ़ी अच्छा स्पेस है। इससे जुड़ी समस्त जानकारी आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और अगर आप इस पूरी लोकेशन का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप उस पर क्लिक करके आप पूरी लोकेशन देख सकते हैं। ये आपका दूसरा कमरा है, इसकी भी छत पर आपको फोर सीलिंग मिलेगी, दीवार पर टेक्सचर पेंट मिलेगा और ये जो सामने की तरफ है ये आपको पीछे ओपन स्पेस इसमें मिलेगा। यहाँ आप अपना वॉशिंग एरिया कर सकते हैं, पीछे की तरफ कपड़े सुखाने के लिए आपको जो है जगह यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपका अटैच बाथरूम है, इसमें भी इंग्लिश सीट लगी हुई है, ऊपर तक टाइल्स लगे हुए हैं और इसमें लकड़ी का भी काम करवाया गया है। ये सामने आपको जो अलमारी है ये आपको इसी में मिलेगी। तो ये आपके दोनों कमरे हो गए। अब मैं आपको तीसरा कमरा दिखाऊँगा। ये आपका पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया है जो बहुत बड़े स्पेस में आपको मिल रहा है। इस फ्लोर की जो कीमत है वो 35 लाख रुपए है और ये आपका जो है कॉमन बाथरूम रहेगा लिविंग और डाइनिंग एरिया से, और पीछे से ये रूम से भी अटैच रहेगा। इस फ्लोर की जो कीमत है वो 35 लाख रुपए है और सबसे बड़ी चीज़ है कि इस फ्लोर में आपको किसी को भी कोई कमीशन नहीं देना। ये आपकी डायरेक्ट डील बिल्डर से होगी और ये बिल्कुल इसमें आपको कोई हिडन चार्ज नहीं है। 35 लाख रुपये इस फ्लोर की डिमांड है और इसमें आपको कमीशन नहीं देना। ये देखिए, आपका तीसरा रूम है, इसमें भी अलमीरी बनी हुई है अलमीरा, और ये आपका बालकनी है। बालकनी में देखिए SS का ग्रिल लगा हुआ है और ये बिल्कुल आपके सामने आपको पार्क मिलेगा। छोटा सा ये कोने पर आप देख रहे हैं, ये पार्क मिलेगा। सोसाइटी पूरी डेवलप है, पूरा सब बसावट आसपास हो चुकी है। सरकारी बैंक से आपका लोन हो जाएगा इस प्रॉपर्टी पर। 3 BHK फ्लोर है, 90 मीटर इसका साइज है। अगर मैं गज में बात करूँ तो ये 107 गज के आसपास हो जाता है। सबसे बड़ी चीज़ आपको इस फ्लोर में मिल रही है कि आपको कमीशन नहीं देना है। अगर आप इसकी डील करते हैं तो डायरेक्ट आपकी बिल्डर के साथ डील होगी और इसमें आपको कोई भी कमीशन नहीं देना। ये आपका जीना है और इस पर अभी रेलिंग नहीं लगी हुई, तो रेलिंग आपको लगा करके देंगे। ये पूरी लोकेशन है, आसपास की किस तरह की लोकेलिटी है, कैसे यहाँ परिवार रह रहे हैं, क्या सुविधाएँ हैं। पार्क इसमें बहुत सारे आपको मिलेंगे, तो रहने के हिसाब से बहुत ही अच्छी लोकेशन है।
आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं कुछ और नया लेकर के, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।